कालखंड के अंदर में 2-2.5 साल कोविड के अंदर खत्म हुआ, फिर भी मैंने कोशिश किया, मैं बहुत कुछ संतुष्ट नहीं हूँ। और एक रेल का एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रायपुर लोकसभा के अंदर तैयार होगा, आयकर ट्रिब्यूनल, जिसका लोकार्पण केंद्रीय मंत्री से मैंने कराया। हमारे साथ रायपुर लोकसभा क्षेत्र के वर्तमान सांसद सुनील सोनी यहाँ मौजूद हैं। कल भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के 11 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी, केवल 2 ही प्रत्याशियों को रिपीट किया गया, एक विजय बघेल को और संतोष पांडे को। आपका भी नाम लगभग तय माना जा रहा है, आखिर क्या वजह थी कि आपका नाम यहाँ सूची में नहीं रहा, आपका नाम कट गया? देखिए, मेरे से अनुभवी आदमी ब्रिजमोहन जी हैं, 8 बार के विधायक हैं। पार्टी को लगा कि नहीं, रायपुर राजधानी है, यहाँ पे और बेहतर कैंडिडेट देना चाहिए, तो उन्होंने ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को टिकट दिया है। अच्छे वोट से जीतेंगे हम लोग इस चुनाव को, रायपुर का भी। और मैंने तो सपने में नहीं सोचा था कि मुझको कभी सांसद की टिकट मिलेगी, पार्टी ने विश्वास करके सांसद बनाया। इस कालखंड के अंदर में 2-2.5 साल कोविड के अंदर खत्म हुआ, फिर भी मैंने कोशिश किया कि अनेक योजनाएं जो हैं वो रायपुर में आ जाए। मैं बहुत कुछ संतुष्ट नहीं हूं कि मैं बहुत सारा काम कर पाया, लेकिन मेरे लोकसभा में छोटे से छोटा स्टेशन है, वो सारे स्टेशन अमृत भारत में शामिल हो गए। और एक रेल का एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रायपुर लोकसभा के अंदर तैयार होगा। लगभग 800 करोड़ रुपया लाके मैंने जो है केंद्र सरकार का जितने फ्लाईओवर अंडरब्रिज की जरूरत है सारे रेल पटरियों में मैंने सेंक्शन करवा दिया। आने वाले 1.5-2 साल में जो है कोई भी रायपुर लोकसभा में ऐसा रेल मार्ग नहीं मिलेगा जहां पे फ्लाईओवर अंडरब्रिज ना बना हो। आयकर ट्रिब्यूनल, जिसका लोकार्पण केंद्रीय मंत्री से मैंने कराया, क्रिटिकल हॉस्पिटल वहां पे एम्स के अंदर में, उसका भी भूमि पूजन हो गया। अभी 1-2 दिन के अंदर में भाटापारा में क्रिटिकल हॉस्पिटल का, उसका भी भूमि पूजन मैं कर दूंगा, क्योंकि वहाँ पैसा आ गया, टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर भी हो गया। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडल स्कूल, लगभग रायपुर लोकसभा के अंदर 60-70 मॉडल स्कूल खुल जाएगी, आने वाले वर्ष में बच्चों को लाभ मिलना चालू हो जाएगा। ये सब काम तो आपने करा है, कोई ऐसा काम जो थोड़ी सी रह गई कि भाई ये और था जो नहीं कर पाए आप और अब प्लानिंग में थी? देखिए, बहुत सारे काम मैंने सोच के रखा था कि हेल्थ और एजुकेशन उस क्षेत्र के अंदर में, भाटापारा क्षेत्र में, बड़ौदा बाजार भाटापारा के बीच में कहीं केंद्रीय विद्यालय आ जाए, प्रयास किया, आएगा आने वाले समय में आएगा। ऐसे बड़ौदा बाजार सड़क भी रायपुर से बड़ौदा बाजार, उसका भी चौड़ीकरण हो जाएगा। तो ये 4 लेन हो रहा है, अब तो 4 लेन स्वीकृत करा दिया, ये अभी 4-5 दिन पहले ही उसको जो है, पहले 10 मीटर होना था, 4 लेन आ गया वो, और उसका भी बजट में प्रावधान आ गया है। तो आने वाला समय है रायपुर लोकसभा, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और हेल्थ, ये तीनों क्षेत्रों के अंदर में एक अच्छा बेहतर होगा। और बहुत सारी केंद्र की जो योजनाएं जो है, जो रोजगार उन्मूलक थी, उन योजनाओं को हम राज्य में सरकार नहीं होने के कारण जो है हम नहीं ला पाए थे। इस बात का दुख हमेशा रहेगा कि बड़ी योजनाएं अगर हम यहाँ पे लाते हैं रायपुर क्षेत्र के लोकसभा क्षेत्र के अंदर में, तो सैकड़ों लोगों को रोजगार भी मिल जाता। लेकिन अनुभवी और मुझको पहचान बनाने में समय लग गया था, लेकिन ब्रिजमोहन जी कब बरसों से वहाँ पे सबके साथ में पहचान है, उसका लाभ रायपुर लोकसभा को मिलेगा। अब चूंकि ब्रिजमोहन जी को लोकसभा का प्रत्याशी बना दिया गया, उनकी सीट खाली होने वाली, दक्षिण से क्या दावेदारी करेंगे आप? देखिए, पार्टी तय करती है कि हमको कहाँ पे जाना है और क्या जाना है। पार्टी ने तय किया कि नहीं, यहाँ ब्रिजमोहन जी को लड़ाना है, हम सहमत हैं, उसको काम करेंगे, पार्टी को जिताने का काम करेंगे। आने वाले समय में क्या होगा ये मैं नहीं जानता, जो होगा अच्छा होगा। चलिए, ये थे सुनील सोनी और उन्होंने कहा कि एक अनुभवी और योग्य व्यक्ति को उनकी जगह टिकट दी गई है और उन्होंने कहा है कि बहुत बेहतरीन वोट से जीतेंगे। थोड़ी सी कसक उनके मन में है कि अगर उनको समय मिलता तो और बहुत सारी जो उनकी प्लानिंग थी कि केंद्रीय विद्यालय भाटापारा के आसपास लाने के लिए, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हेल्थ के लिए बहुत सारे काम करने की योजनाएं थी वो अधूरी रह गई। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी ने उनको अब तक जो जिम्मेदारी दी है उसका पूरी ईमानदारी से पालन किया है, अभी जो आदेश आया है उसका भी ईमानदारी से पालन करेंगे और आने वाले
वाले समय में भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको भी बखूबी निभाएंगे। कैमरा मैन रमाशंकर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।